चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। हमारे वो बहन भाई जो हमें कॉल करते रहे दौरान ब्रेक, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत ही हमारा आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ़लसफ़ा दुआ। दुआ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है, मेरा ख्याल है कि जब इंसान शऊर की पहली शऊर की मंजिल ही क्या, बल्कि अभी बच्चा जब होश ही संभालता है 3-4 साल का होता है, तो उसको लगता है कि कोई एक ऐसी हस्ती है, एक बात है जो हम किसी से मनवा सकते हैं। पहले उसको वो माँ लगती है अपनी कि ये इससे अगर हम फरमाइश करेंगे या इससे हम अपनी इस्तदा करेंगे तो ये ज़रूर सुनेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होता है कि एक ऐसी हस्ती ऊपर है जो आपकी तमाम चीज़ों नफसियाती तौर पे भी जो परवरदिगार ने इंसान को खल्क किया कि जब वो जैसी मुश्किल उस पर पड़ती है तो फौरन वो किसी को सहारा ढूंढता है, कोई सहारा ढूंढता है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी नकवी साहब, मैं एक दो मिनट के लिए हाजिर हुआ हूँ। बिस्मिल्लाह। आपका जो आज का टॉपिक है फलसफा दुआ, जी तो असल में इसको समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले ये सोचे कि दुआ जो है कौन मांगता है और किससे मांगता है। देखिए, खुदावंद आलम की जात को पहचानना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि हर चीज का खालिक वो है और हर चीज का कादिर भी वही है। वो ये समझना जरूरी है कि वो यक्का व तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक है वो। और ये कि इसीलिए हम सब के सब जो हैं, जो उसकी मखलूकात हैं, उसके मोहताज हैं। खुदावंद आलम ने कहा कि वल्लाहु गनीयुन व अंतुल फुकरा, कि मैं गनी हूँ, मुझे तुमसे कुछ मांगना नहीं है, लेकिन तुम फकीर हो, तुम मोहताज हो मेरी मदद के। तो दुआ जो मांगी जाती है वो इंसान जब अपने आप को महसूस करता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता, तो वो फिर जाहिर बात है कि वो खुदा ही से मदद मांग सकता है, इसलिए कि और कोई जो खुदा मदान ने कहा है कि मैं कादर मुतलक वल्लाह वला कुल शैइन कदीर, तो कादर मुतलक है तो उसी से तो मांग सकते हैं हम दुआ, बेशक किसी और से मांगेंगे तो वो खुद भी इंसान जो है, किसी इंसान से मांगते हैं तो वो तो खुद भी ऐसा है कि मोहताज है खुदा मदान की मदद के। तो दुआ मांगने के लिए जो फलसफा है वो ये है कि आप खुदा से मांगें, ये समझ के मांगें कि वो वाहदहु ला शरीक है, ये कि वही सब कुछ करने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो चाहे तो हमारी दुआओं को कबूल करे, वो चाहे तो हमारी दुआओं को कबूल ना करे। तो ये जो फलसफा है यही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो बाकी जो चीज़ें हैं जिनको हम और तरीके से बयान कर सकते हैं वो है, बात औकात ये होता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी इतनी विसात नहीं है कि हम खुदा तक पहुंच सकें, उससे मांगें दुआ, तो फिर हम वास्ता ढूंढते हैं। सामा चेताब कर दे मेरे दिल की चैन का, परवरदिगार वास्ता खूने हुसैन का, इस तरीके के वो भी चाहते हैं। तो इस तरीके से दुआ जो मांगी जाती है वो डायरेक्ट खुदा से मांगी जाती है या उन लोगों के वास्ते से तवसल से कि जो खुदा के महबूब हैं, रसूल पाक हज़रत अली है या इमाम ताही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नकवी साहब जब गुफ्तगु कर रहे थे तो उसमें एक पहलू बहुत उम्दा जो उन्होंने कहा कि वो कबूल करे या ना करे, तो देखें अगर हम इसको एक बच्चे की फितरत पर, जो बच्चा कहते हैं ना कि अभी मासूम है, अभी बालिग नहीं हुआ, और इंसान तमाम जो है वो अल्लाह ने फितरत पर फितरतल्लाह पर खल्क किए हैं। बाज़ दफ़ा बच्चा ज़िद करता है, आप दिलाने पर कादिर भी होते हैं, आप नहीं दिलाते वो चीज़, वो उसको नुकसान पहुँचा देगी। ठंड का मौसम है, वो कह रहा है आइसक्रीम खानी है मुझे, आप कहते हैं नहीं कुछ और खा लो, इससे महंगी चीज़ खा लो, इससे महंगी चीज़ खरीद लो, अच्छा तुम ये ले लो वो ले लो, आप उसको टाल ले होते हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैंने आइसक्रीम ही खानी है, आप कहते हैं नहीं आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, वो रोने लगता है, आप उसके रोने की परवाह नहीं करते, हालांकि दिल पर आपकी गुजर रही होती है, आपका बच्चा है, आप नहीं चाहते कि बीमार हो जाए। परवरदिगार का भी मामला ऐसा ही है, वो हम लोगों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो हम चूँकि हम आगे देख नहीं पा रहे होते कि इसके मुज़र असरात क्या हैं, हम एड़ियाँ रगड़ होते हमें ही दे दो, परवरदिगार क्यों नहीं देता। उसमें लोग जो है वो बाज़ लोग गुस्से में आकर जो है वो नमाज़ें छोड़ देते हैं, दुआ करनी छोड़ देते हैं, वो इन तमाम चीज़ों को भी तहम्मुल करता है, नहीं इंसान का कभी रिस्क बंद करता, नहीं उसके लिए जो ब्लेसिंग्स के दरवाज़े बंद करता, मगर वो चीज़ जो उसको नुकसान पहुँचा रही होती वो नहीं देता। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वो हमारा जो है वो रब करीम है और हम उसके अब्द जलील बन के रहें, हम उसकी बंदगी करते रहें, हमें तस्लीम ही होना है, क्योंकि हम हमारी शुरुआत मिट्टी से हुई और मिट्टी में जाना है, तो ये अकड़ हूँ काहे की। तो और हमने जब जैसे अभी क़िबला ने कहा कि दो तरह की तकदीर
کا ذکر قرآن کے اندر ایک حتمی ہے اور ایک جو ہے وہ چینجبل ہے, جس کے اندر جو کہ لوہے مہو کہیں جو کہ مٹائی جا سکتی ہے. جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے, آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتا ہے, وہ اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں یا اپنی مرضی اظہار کر دیتے ہیں, تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہی لکھا ہو کہ جب یہ دعا کرے تو اس کو دی جائے, اگر جستجو نہ کرے تو نہ دی جائے. بعض حتمی ہے کہ اس دن موت کا وقت ہے تو وہ نہیں ٹلے گا, بعض میں ہے کہ موت ہے اگر صدقہ دے دے تو ٹل جائے گی. اب اس نے دے دیا, اس کی خوش نصیبی ہے کیونکہ صدقے کا حکم دیا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے, مگر وہ روز پابندی نہیں کرتے, بعض لوگ روز پابندی کرتے ہیں. بہت ساری اس کے اندر چیزیں, ہم اس پہ ضد و بحث یوں کرتے ہیں چونکہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے. اسی لیے میں اس کے بعد یہی جو ہے وہ معروضات عرض کر رہا تھا اپنے ناظرین کی خدمت میں, ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے. مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتوں کے اندر دیکھو, غیر تمہارے قرآن کے معاملے میں تم پر سبقت نہ لے جائیں, تم قرآن کے اوپر توجہ رکھو. ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو پراپر فوکس نہیں کیا ہے. اگر ہمارے جوان ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں اور قرآن کی طرف نگاہ رکھیں, اور قرآن جیسے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر تدبر کرو, ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, غور و فکر کرو, اس کے اندر تدبر کرو, تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی بھی الہادی فکر کا شکار ہو سکیں, ہم کہیں پر بھی افراد و تفرید کا شکار ہو سکیں, ہم لائن کراس نہیں کریں گے. جو ہمیں فوراً سامنے آ جائے گا کہ جناب آدم کی دعا, جناب ابراہیم کی دعا, جناب یونس کی دعا, جب اتنے بڑے بڑے پیغمبر اول العزم انبیاء دعا مانگ رہے ہیں تو ایک عام آدمی کا جو ہے وہ تو جناب آدم کی توبہ ہے, باقی اس کے علاوہ تو انبیاء نے دعائیں کی ہیں اور جو تو وہ تمام چیزیں قرآن کے اندر ہیں. مگر ہم جب نہیں دیکھتے, صرف نظر کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں جی وہ تو قبول ہوئی نہیں تو میں کیوں مانگوں, تو ہمیں قرآن کی طرف توجہ اختیار کرنی چاہیے. کالر ہمارے ساتھ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی موسی بھائی میری بہن, السلام علیکم. خوش آمدید. نقوی صاحب کو سنا, بہت دل کو خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ تندرست ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, ہم میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے. تو اگر احمد بھائی بھی آپ کے پروگرام کے بعد آپ سے فون رابطہ کریں تو میرا آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر ہے, اگر وہ لے لیں وہاں سے تو چلو ان سے ملاقات ہو جائے گی, میرے گھر کے نزدیک ہی آئے ہوئے ہیں. تو علی بھائی دیکھیں کہ فلسفہ دعا, مولانا صاحب کا حصہ وہ پروگرام نہیں میں سن سکا تو اس سے میں محروم ہوں, لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جب ریپیٹ ہوگا پروگرام میں ضرور دیکھوں کہ مولانا صاحب نے کیا کہا. رات 12 بجے ریپیٹ ہوگا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں کہ علی بھائی فلسفہ دعا, پہلے تو بات ہے کہ میں ساری دنیا سے معافی مانگتا ہوں کہ دنیا والوں ہمیں معاف کر دو, مسلمانوں کو, کہ ہم تم تک وہ دعا نہیں پہنچا سکے جو نبی پاک, مولا کائنات نے, صحابہ رسول نے, امام حسن حسین نے, کربلا تک دعا 5 وقت جو پڑھتے تھے, ہم وہ آپ تک دعا نہیں پہنچا سکے. عربی بھی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں کیونکہ اردو میں پڑھوں گا کہ وہ جو عام لوگ ہیں ان تک پہنچ جائے, پھر وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں دعا نہیں بتائی گئی کہ وہ کیوں سی دعا تھی, پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, بڑا مہربان, نہایت رحم کرنے والا, بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا, ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا, ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی. یہ دعا تھی جو ہم نے عام لوگوں کو, جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان تک پہنچانی تھی, کیونکہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے آئی ہے. تو ہم اسے بہت ہی ہم معذرت سے دعا لوگوں سے معافی مانگتے ہیں کہ یہ دعا ہم نہیں مانتے. تو دنیا والوں یہ دعا ڈیلی پڑھو, کیونکہ ہم مسلمان تو 5 وقت پڑھتے ہیں اور اس سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں ہے. تو یہ تو دعا ہم نے وہ بھول گئے, پڑھتے ہیں طوطے کی طرح لیکن اس کو ہم بھول چکے ہیں. تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی علی بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ رب بھی ہے, موجود ہے, قرآن موجود ہے, ہر چیز وہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, اس نے ہم کو بھیجا دنیا میں, وہ پالتا ہے ہمیں, کھلاتا ہے. تو کیوں, یہ وجہ کیا ہے؟
भाई उसके बाद दुनिया को बताओ, सिंपल सी बात है, क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर सकते हो? ये पूरी दुनिया का क्वेश्चन है। क्या जो जो मंदिर में दुआ मांगता है या यहूदी दुआ मांग रहे हैं, ईसाई क्रिश्चियन जो वो चर्च में मांग रहे हैं, बुद्धिस्ट मांग रहे हैं, क्या इन लोगों से ये पूछो कि क्या तुम अल्लाह और उसका जो आखिरी रसूल है उसके साथ तुम जंग कर सकते हो? वो जवाब जरूर देंगे आपको कि नहीं अली भाई, मेरी बहन, हम तो अल्लाह से जंग तौबा नाऊज़ बिल्ला उसका तो तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। तो फिर कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत मुबारक खोलो और उनको कहो कि अल्लाह कहता है कि देखो ये जो सूदी निजाम है, ये जो कैपिटलिज्म है, ये इंसानियत का दुश्मन है। अगर तुम ये सूद लेना और देना नहीं छोड़ते, जो IMF काम कर रहा है, दुनिया का सत्यानाश उसने कर दिया है, तो फिर तुम्हारी और फिर तो तुम मेरे और मेरे रसूल के साथ तुम्हारी खुली जंग है। ये वाज़ेह ऐलान है। ये सिंपल मैसेज था, दुआ सिखानी थी हमने दुनिया को, जो मौला कायनात ने इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने करबला में पढ़ी ये वाली। जब हम देखते हैं भारत में कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो इमाम हुसैन पे लिखते भी हैं, अपना शेर व शायरी भी करते हैं, उसमें जिक्र आता है, उनको यही बताना था कि ये दुआ थी जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने करबला में पढ़ी थी। फिर उसके बाद सूरह बकरा भी वो पढ़ते थे क्योंकि वो उन पर फर्ज था। हम तो रमजान में खोलते हैं ना कुरान पाक को, तो अपना क्या कहते हैं उसके ऊपर से धूल वगैरह झाड़ के तो हम पढ़ते हैं, वो तो डेली पढ़ते थे। तो एनीवे कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले उलमा दीन दुनिया से माफी मांगे और उसके बाद दुनिया को बताएं कि तुम खुली जंग कर रहे हो। मिंबरे रसूल से ऐलान कर दो कि क्या तुम जंग जीत जाओगे? मंदिर में जाने वालों, चर्च में जाने वालों, सिनेमा में जाने वालों, ऐ दुनिया वालों, रोज तुम दुआएं करते हो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करते हो और तुम जंग डेली कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी दुआएं कहां कबूल होंगी? कहां कबूल होंगी? ये वाकया नहीं देख लिया अभी मुल्तान में क्या हुआ है? ये वाकया मुल्तान में जो बच्ची के साथ हुआ है, ये हमें हालात पाकिस्तान को हालात देने वाली, कहां है उलमा दीन, कहां है प्राइम मिनिस्टर, ये क्या हो रहा है? क्यों इन लोगों को पता नहीं था कुरान पाक क्या है? तो यानी कि अल्लाह के बंदो बहुत दूर है और अल्लाह ताला हमें इस खुली जंग से जो हम कर रहे हैं ये IMF से छुटकारा पड़ेगा। तो दुनिया वालों, ऐ मेरे सिख भाइयों, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ दुनिया के हर इंसान, किसी भी तुम्हारा मजहब से लिंक है, हदायत TV से देख लो और सिंपल बात, मुसलमानों से चीज मांगोगे, ऐ बताओ मुसलमानों जो अल्लाह ने तुम्हें दुआ दी है वो क्या है? उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, मराठी में, गुजराती में, किसी भी तरीके से इन तक पहुंचा दो। ये करबला सिद्धे में खड़े हुए इमाम हुसैन अलैहि सलाम वो बच्चों के साथ खड़े शहीद हो रहे हैं और ये दुआ पढ़ रहे हैं और हमें ये इस दुआ का पता ही नहीं है, नहीं पढ़ता गया। और फिर वो ये बात यही है कि सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, कि ये तुम्हारी दुआ तब कबूल होगी, मोहम्मद अली की दुआ तब कबूल होगी, सजदे मैं भी नमाज पढ़ता हूं, गिड़ गड़ा के बड़ी बड़ी दुआएं करता हूं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मैं अल्लाह के साथ लड़ रहा हूं, अपने रसूल के साथ फाइट कर रहा हूं, IMF के साथ मैं खड़ा नहीं होता, कैपिटलिज्म ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, हमें पता नहीं चलता, डेली बेसिस पे हम इंसानी को तबाही की तरह, दहाने की तरह देख रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर मोर्गेजों में लोग फंसे हुए हैं, अपना सूदी निजाम में फंसे हुए हैं, फैमिलियों का सत्यानाश हो गया, क्राइम खत्म नहीं हो रहा, इंसानियत हर रोज, वेंजला में चले जाएं 100 आदमी मर गया, फलस्तीन में देखें जी इतने आदमी मर गए, कश्मीर में इतने आदमी मर गए, कुछ मार रहे हो, कुछ भूख से मर रहे हैं, इस सारे की सारी जड़ कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत मुबारक हम दुनिया वालों आप तक नहीं पहुंचा सके। ये सूदी निजाम है, ये सूदी निजाम IMF चला रहा है और इसका जो है वो जो इसको चला रहा है वो है अमेरिका। और ये जो असला आप डेली बेसिस पे देख रहे हो, असला बंदा देख रहे हो दुनिया पे डेली बेसिस पे, वो लोग भीख मांग रहे हैं, मर रहे हैं, हर तरीके से मर रहा है, माए बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, आपके शराब खाने सुबह से लेकर शाम तक खुलते हैं, सिगरेट अभी देखो, मैं ये एक मैं बात करके कंप्लीट करता हूं कि सॉरी कि मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, कि जब ये इनसे बात करें ना, कहते हैं ये शराब पीना एक सोशल, चलो सोशल लेवल तक ठीक है, तो फिर अगर ये शराब पीना सोशल लेवल तक ठीक है तो एक सिगरेट भी अलाउ कर दो। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि एक सिगरेट पियो चाहे 20 पियो तो उससे इंसान का जो ना वो सत्यानाश हो जाता है, बीमारी के बीमार हो जाता है।
तो ये बहुत सारे ऐसे हीले हवाले हैं जो दुनिया को नहीं, तो मैं फिर मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, और मैं लास्ट में फिर अल्लाह और उसके रसूल और दुनिया से माफी मांगता हूँ कि हमारे मिंबर रसूल से ये सूरह फातिहा नहीं दी गई। तो ऐ मुसलमानों आज और गैर मुसलमानों, प्लीज प्लीज आज के दिन नहीं मुसलमान तो इस दुआ को जरूर पढ़िएगा, और फिर अल्लाह से वादा करो कि ऐ अल्लाह हम तेरी जात की कसम है, हम तुमसे अपना क्या कहते हैं जंग नहीं करेंगे, सूद नहीं लेंगे, ना लेंगे ना देंगे, हुकूमतें चलाएंगे, घर चलाएंगे विदाउट दिस वन, और वो क्या कहते हैं चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह दुआएं देखो फिर कबूल होती, फिर कबूल ये देखना को, आपको फोन करेंगे अली भाई सारा बहन मेरी दुआएं कबूल हो गई। बिल्कुल ऐसी जज़ाकअल्लाह, थैंक यू मोहम्मद भाई, इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, सॉरी बॉदर मैंने आपका बहुत टाइम लिया, बहुत शुक्रिया जी, अगली कॉल शामिल करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मोहसी भाई, मोहम्मद अली भाई को आपने जज्बाती कर दिया है। मोहम्मद अली भाई हमें भी जज्बाती कर गए, इमाम हुसैन का नाम लेकर थोड़ा सा हल्का फुल्का तो कर दूं। नहीं जी करें जी, आप करें बिल्कुल, हल्का फुल्का कर देता हूँ मैं, दो सवाल छोटे से आपसे कर देता हूँ, वक्त नहीं लेता ज्यादा, मुझे ये बताएं सवाल करके आप टाइम ही देते हैं जवाब देने का, जो है वो इस किस्म का वसीला इस किस्म का बन गया है कि आप इमरान खान भी चादर लेके दादा दरबार जा रहा है अपनी कामयाबी की, अल्लाह मुझे पनामा में कामयाब कर, नवाज शरीफ भी जा रहे हैं चादर लेके दादा दरबार, अल्लाह मुझे पनामा से निकाल। आप बताएं मुझे, आप बताएं मुझे, ये सवाल है आपसे कि दादा साहब किसकी मानेंगे, वो भी चादर वहां पे डाल रहा है, वो भी चादर वहां पे, बहुत अच्छा सवाल, आप टाइम दे दें मैं इसका जवाब दे दूं, एक मिनट नहीं फिर दूसरा सवाल नहीं, दूसरा सवाल नहीं फिर, वो भी दस दस दे रहा है मैं इसका जवाब देता हूँ, नहीं वो टाइम नहीं देते ना आपको पता ना जवाब देने का, नस्मी साहब या लाहौर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है आप देखते रहे मैं आपको जवाब देता हूँ, और दूसरा मैं आपसे ये दूसरा नहीं सवाल है, मैं उसका जवाब से मांगना चाहता हूँ, बस मुझे सिर्फ इतना बता दे मौसी भाई के जब दुआ मांगते हैं हम, जब हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, छोटा सा सवाल है जिस पे थोड़ा, एक सवाल मैंने पहले भी किया उसका जवाब आपने नहीं दिया, तो छोटा सा सवाल है मुझे एक सेकंड का जवाब दे रहे हैं उसका, कि जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से और दुआ के लिए हाथ खड़े करते हैं, तो हर इंसान को पता होता है कि वो अंदर से क्या है और वो क्या दुआ मांग रहा है, अल्लाह ताला नेतों के राज जानता है अल्लाह ताला खुद सारे, तो जब हम दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगते हुए हमारी जो अंदर की कैफियत है वो हमारा साथ ना दे रही हो, तो फिर भी हम दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगते हुए हम शर्मिंदगी का इख्तियार नहीं होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं अंदर से कुछ हूँ बाहर से कुछ हूँ, फिर तुझसे मांग रहा हूं, खुद ही जवाब दे दिया ना, अल्लाह वो रहीम है करीम है, क्या वो नीतों को नहीं जानता, बिल्कुल अगर वो नीतों को जानता तो फिर दुआ में पहला सवाल फिर के क्या रियाकारी दुआ में हो सकती है, ये बता दे मुझे, थैंक यू जी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और पहले ही सवाल की तरफ चलूंगा क्योंकि नकवी साहब सवाल करके खुद जवाब भी दे देते हैं आधे से ज्यादा, तो हमारी मुश्किल हल कर देते हैं, तो इसलिए बहुत सवाल करके खुद जवाब भी दे देते हैं, दादा दरबार वाली की ना उन्होंने, भाई दोनों जा रहे हैं, उस पर मुझे एक वाकया याद आ गया, बड़ा खूबसूरत वाकया है कि एक शख्स की दो बेटियाँ दो मुख्तलिफ घरानों में बिहाई जाती हैं, एक का शौहर कुमार होता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसकी बीवी दुआ करती है कि परवरदिगार बारिश ना हो और ना सारी मेहनत हमारी मिट्टी गीली हो जाएगी, भी बह जाएंगे सब बर्तन, दूसरी का जो है वो कुछ और सिलसिले से वो ज़मींदार हैं काश्तकार हैं, तो वो कहते हैं कि तो परवरदिगार इस साल बारिश ज़्यादा हो ताकि गल्ला हो। अब दोनों आती हैं बाप के पास, एक कहती है बाबा मेरे लिए दुआ करो कि बरसात हो ताकि हमारा गल्ला ज़्यादा हो, दूसरी बेटी कहती है बाबा दुआ करो बारिश ना हो कि हम के मेरे मियाँ की सारी मेहनत तबाह हो जाएगी क्योंकि वो सब बर्तन जाएंगे। अब यहाँ पर पता है यहाँ पर यहीं पर तो परवरदिगार याद आता है, अब बाप दो में से किसकी के लिए दुआ करेगा, नहीं कर सकता ना वो, अगर बरसात के लिए दुआ करता है तो दूसरी का सारा बेड़ा गर्क हो गया, उसके लिए अगर हमदर्दी रखता है तो औलाद उसकी दोनों है, यहाँ पर समझ में आता है कि खुदा क्या चीज़ है, यहाँ समझ में आता है कि परवरदिगार यानी उस निज़ाम के तहत बारिश भी बरसाता है, हवाएं भी चलाता है, पानी भी बरसाता है, तमाम चीज़ें मौत व हयात भी देता है, कि उसमें उसकी मखलूक़ात फल फूल भी रही है, सबको रिज़्क भी मिल रहा है और किसी का नुकसान भी नहीं होने देता। यहाँ पर तो हम सिर्फ दो बेटियों के मामले में फंस गए ना, अल्लाह ने पूरी खलकत का जो है वहाँ आप देखें करोड़ों अरबों इंसान, उसके अलावा उसकी और मखलूक़ात हैं और जो और हिडन मखलूक़ात हैं वो अलग अलग, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि उसकी क्या अजमत और क्या बुजुर्गी है, तो
تو یہی انسان سوچ کے اس کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر دے، کیوں اتنا اٹھتا ہے، کیوں اتنا کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اکڑنا تو مرتے کی نشانی ہے، فردار درخت تو جھگا کرتے ہیں، جب ثمر پھل جو آتے ہیں درخت پہ تو شاخیں جھک جایا کرتی ہیں ان کے وزن سے، تو جب انسان کے اوپر پروردگار کی رحمت ہوتی ہے تو وہ جھکا ہوا ملتا ہے آپ کو، اکڑا ہوا تو انسان مرا ہوا انسان ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی ہے وہ تو۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم فلاں سے بات نہیں کرتے، ہم فلاں سے نہیں ملتے، ہم فلاں، یہ ساری زندگی کی علامات نہیں ہیں، یہ مردہ ہونے کی علامات ہیں، یہ مردہ دل ہونے کی علامات ہیں۔ زندہ دل علامات یہ ہے کہ ہم خود جائیں گے، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم خود سینے سے لگاتے ہیں، ہم فلاں کو درگزر کرتے ہیں، ہم فلاں کی مدد کرتے ہیں، ہم فلاں کے لیے جو ہے وہ نیک، پھر جیسے ابھی عمران فضل صاحب نے مولا کا فرمان سنایا، مولا میں مومن فرماتے ہیں کہ مطلب تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جب مصلی پر بیٹھتے ہیں، ہم اپنی پوری ایک لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں مومنین کو شامل کریں، آپ یقین کریں آپ کی دعائیں قبول ہونے شروع ہوں گی، کیونکہ مولا کا فرمان ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر پریکٹیکل کیا جائے، ایک چیز اٹھا لیں، ہم دو اس شو کو لے کے دو گھنٹے چل رہے ہیں، ایک مولا کا ایک فرمان اس میں سے پک کر لیا جائے، بس حق ادا ہو جائے گا شو کرنے کا بھی، اور حق ادا ہو جائے گا آپ کا گفتگو سننے کا بھی، اور آپ کی زندگی میں تبدیلی ایجاد نہ ہو جب کی بات ہے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مولا من مومن فرما رہے ہیں۔ صرف دل کو پاک کیا جانا ضروری ہے، دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، لوگوں کے ساتھ نفرت، عداوت رکھ کے وضو کر کے مصلی پہ گئے تو کیا گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے پروردگار کی بارگاہ میں جائے، تاکہ بالکل اس کو صحیح جو ہے اس کا رابطہ برقرار ہو سکے۔ ہم بہت ساری عداوتوں کے ساتھ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی فکر کریں کہ ہمیں برزخ میں کیا تھمایا جاتا ہے، آیا جو ہم یہ نیکیاں سر انجام دے رہے ہیں یہ باقی رہتی ہیں اور ہمیں وہ ملتی ہیں، یا یہ بھی ہم یہاں پہ جلا کے جا رہے ہیں ختم کر کے، کیونکہ یہ بغض اور حسد جو ہے نا، اس سے زیادہ بڑی آگ کوئی ہے ہی نہیں، یہ اعمال کو سوکھی لکڑی کی طرح کھا جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور ہر آدمی کے پاس مسائل ہیں، فلاں سے حسد، فلاں سے بغض، فلاں کی ترقی دیکھ کے جل رہے ہیں، تو اس سے دعا کیا قبول ہوگی؟ آپ کے تو بہت سارے صدقے اور خیرات بھی سب جو ہے وہ خاک پہ مل جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ ہمارا وقت بھی بہت قلیل رہ گیا۔ بالکل، یہ سمجھتی ہوں کہ ناصر، اگر ہم اپنے دل سے بہت کینہ اور حسد جیسے جو چیزیں ہیں وہ نکال دیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی بات رہ جائے گی، ایسی دعا رہ جائے گی جو ہماری رد ہو سکے، جو قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب ظاہر ہے خواہشیں بہت ساری ہوتی ہیں، کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دعائیں ہماری قبول نہیں فرماتا، اور ان کے متبادل جو ہے وہ ہمیں اس سے بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کو ہم مستجاب ہوتے ہوئے دیکھیں، تو نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو، سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے اعمال کو اپنا اس قابل اپنے آپ کو بنائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو آپ کو دعا کرتے ہوئے شرم نہ آئے، دعا کرتے ہوئے احساس نہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری باتوں کی جو ہے وہ نافرمانی کی ہے، اس کے کتنے سارے حکم جو ہے ان کی نافرمانی کی ہے، لیکن ہم آج بھی سامنے، پھر بھی سامنے حاضر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ پاک صاف ہو کر اپنے دل کو، دل کی پوری طہارت کے ساتھ جو ہے وہ آپ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کی، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرمائے، تمام دعاؤں کو، تمام جائز حاجات کو اہل بیت علیہم السلام کے صدقے جو ہے وہ قبول فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات اب کل ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔